वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद मी में आप सबका स्वागत है। और आज के हम वीडियो ट्यूटोरियल में एक सर्किल की बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, सर्किल की एक थ्योरम है, सर्किल मतलब वृत्त, और वृत्त के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो से मैंने बताया कि भैया वृत्त क्या होता है, डिटेल में बताया था। तो अब हम इस वीडियो में इसकी एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, प्रमेय है। देखो बच्चों क्या है प्रमेय, कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का दूना होता है। कहने का मतलब ये बच्चों, अगर कोई हम सर्किल बनाए, तो देखो बच्चों एक हम सर्किल बना लेते हैं। आपको ये सर्किल दिखा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो कि हमारा सर्किल बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्किल में हमने क्या किया, इसका कोई हम सेंटर मान लेते हैं, ये हमने सेंटर इसका ओ रख दिया, ठीक है। तो इस सर्कल में ये मान लीजिए सर्कल की त्रिज्या जो है ना आर है। देन वी हैव टू प्रूव वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का दूना होता है। अब देखो वृत्त के केंद्र पर कैसे कोण बनेगा, देखो ये मान लो कोई चाप यहां पर, कोई ऐसे करके हम बना रहे, कोई ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। केंद्र पर बना कोण, अब क्या किया कि, या इसे करो कुछ और आपको अच्छे तरह से इसे लाइन बना के बताएं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, आपको क्लियर कट एंगल दिखे। ये देखो कुछ लाइन तिरछा है बट इट्स ओके, इसे इधर मिला दिया और इसे इधर मिला दिया, इसे हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। कहने का मतलब वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना, ये, और शेष चाप पर मतलब दूसरी तरफ कितना कोण बना, ये। इट मीन्स जो एंगल हमारा बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, मतलब द एंगल मेड इन सेंटर इज ट्वाइस देन द एंगल मेड इन सर्कमफेरेंस। तो बच्चों हम प्रूव क्या करना है, कोण बी ओ सी बराबर टू टाइम्स कोण है। अब देखो बच्चों सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें ज्यादा महाभारत नहीं करनी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही, देखो दे जाओ हम क्या करते हैं बच्चों, ए से ओ को मिला दे रहे, ठीक। अब देखो बच्चों ये आपकी क्या है, ए ओ क्या है आपकी, ए ओ आपकी एक तरह से त्रिज्या है कि नहीं है, रेडियस है कि नहीं, आर रेडियस मान लो इसकी, ये आर मान लो, ये भी तो बच्चों एक रेडियस है, और बच्चों ये भी एक रेडियस है। रेडियस क्या, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी रेडियस होती है, ठीक है। तो बच्चों ये रेडियस हो गई, ये रेडियस, ये रेडियस। अब देखो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज एओसी में, देखो त्रिभुज एओसी में क्या है बच्चों कि हमारी ये दो भुजाएं बराबर, तो ये कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं कि नहीं, इसे मान लो x, तो बच्चों ये हमारी आपका x होगा, इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का कोण, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये x, ये x। अब इधर भी देखो त्रिभुज ए ओ बी में, देखो इसमें भी तो बच्चों ये बनना समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ठीक है। तो ये मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इसे मान लिया वाई, तो ये बच्चों कितना हो गया, वाई हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो बच्चों ये हमारा पता चल गया, तो अब देखो बच्चों अगर आपको ये कोण निकालने को पूछा जाए, ये कोण, तो ये कोण कैसे निकालोगे आप, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये त्रिभुज पूरा बना है, त्रिभुज ए ओ सी में क्या है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये वाला कोण एक्स धन ये एक्स धन ये कोण, ये कितना है कोण ए ओ सी, मतलब कोण ए ओ सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इज इट ओके। तो एंगल ए ओ सी कितना निकल के आ गया, एंगल ए ओ सी बराबर आ गया आपका 180 माइनस 2x, ठीक है। लाइक वाइज इस त्रिभुज में बच्चों आपका ये कोण कितना निकल के आएगा, 180 माइनस एंगल ए ओ बी बराबर कितना निकल के आएगा, 180 माइनस 2y आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो बच्चों
ये एंगल निकाल के बताओ कितना आएगा, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता है 360 में से ये और ये दोनों घटा दो निकल आएगा, तो घटा दो बच्चों 360 में से, थोड़ा इसे ऊपर कर दें तो एंगल BOC बराबर कितना आएगा बच्चों, BOC बराबर आप घटा दो 360 में से, इन दोनों कोणों को घटा दो, 360 माइनस AOC 180 माइनस 2x और माइनस AOB घटा दो 180 माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ये आपका कोई वर्टेक्स था, वर्टेक्स पे चारों कोणों के ये तीन कोण टोटल बने, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये, तीनों कोणों के 360 होगा, तो यही हमने किया क्या कि ये कोण हमने निकालने के लिए 360 से इन दोनों को घटा दिया, इन दोनों को घटा दो कोई बात नहीं, तो बराबर 360 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 180 प्लस 2x माइनस 180 प्लस 2y, ये माइनस के 180 माइनस के 180 मिलके हुए 360 माइनस के, और माइनस के 360 प्लस के 360 से समाप्त हुए, बचा क्या 2x प्लस 2y, इसे हमने क्या लिखा बच्चों, 2 कॉमन ले लो, x प्लस y यहां लिख दो 2x प्लस y, ये एंगल आ गया। अब देखो बच्चों ये एंगल जो ऊपर वाला था ये कितना था, ये x था ये y था, ये x है ये y है, तो ऊपर वाला एंगल आपका कितना था x प्लस y, नीचे वाला कितना है 2 टाइम्स x प्लस y, और आपका सिद्ध हो गया कि बच्चों केंद्र पर जो हमारा कोण बनता है, केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का दोगुना होता है, 2 टाइम्स होता है, बात समझ में आई बच्चों, सीधी सच्ची एक प्रमेय थी, थ्योरम थी, आपको हमने समझा दी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई, आप लोग वीडियो देखते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जिससे कि आपकी का फायदा है कि भाई आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा कोई अच्छा सा, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।